नमस्कार दोस्तों, मुंबई पुलिस ने हर संभव प्रयास किए रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और उसकी फैमिली को बचाने के। महाराष्ट्र सरकार भी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी, लेकिन जो एनसीबी की जांच पड़ताल है, जो ईडी की जांच पड़ताल है, जो सीबीआई की जांच पड़ताल है, और हाल में एनसीबी ने जिन दो ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है और शोविक और उसके एक दोस्त के बीच में जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, और शोविक और रिया के बीच में जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, उनसे इस बात का खुलासा हो गया है कि रिया चक्रवर्ती भी, शोविक चक्रवर्ती भी ड्रग सप्लायर के, ड्रग डीलर्स के लगातार संपर्क में थी, लगातार उनसे ड्रग खरीद रहे थे। और रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक अपने एक दोस्त से बातचीत करते हुए किसी ड्रग का नाम ले रहा है, और उसने 5 ड्रग्स डीलरों के नंबर भी अपने दोस्त को दिए हैं, ये कहते हुए कि एक अगर फ़ोन ना उठाए तो दूसरे से आप बात कर लीजिए। इसी तरीके से रिया चक्रवर्ती और उसके भाई के बीच में ड्रग को लेकर के जो चैट सामने आई है, उसके बाद अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है कि इनके ड्रग के सप्लायर से सीधे संबंध थे। और इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों भाई बहन सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग दे रहे थे और शायद खुद भी ड्रग का सेवन कर रहे थे। अभी इस बात की अधिकृत तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी ड्रग लेने के आदि थे, और एनसीबी ने शोविक को पूछताछ के लिए तलब किया है। अब ये आप तय ही मान लीजिए कि इस एंगल से रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक पर शिकंजा कसा जा चुका है, और देर सवेर इनकी गिरफ्तारी भी बिल्कुल सुनिश्चित हो गई है। तो चाहे मुंबई पुलिस पूछताछ के आधार पर जो कॉपीज तैयार की गई थी उनको मीडिया में, सेलेक्टिव मीडिया में किसी भी तरीके से लीक करें या उनके सुपुर्द करें, सुशांत सिंह राजपूत का चरित्र हनन करने की कोशिश करें, उसकी बहनों पर तरह तरह के आरोप लगाएं, उसके पिता का चरित्र हनन करने की कोशिश करें, लेकिन 3 केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब तक जो किया है उससे इस बात का बिल्कुल खुलासा हो गया है कि ये परिवार पूरी तरीके से संदिग्ध है। और जो उसके पिता ने कहा है सुशांत सिंह राजपूत के, कि मई 2019 में जब सुशांत सिंह राजपूत पटना आया था मुंडन संस्कार के लिए, उस समय तक भी उसकी मानसिक शारीरिक स्थिति एकदम सामान्य थी, कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि वो डिप्रेशन का किसी भी तरीके से शिकार है। और जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील हैं विकास सिंह, उनकी जो बहनें हैं सुशांत सिंह की, उनका भी यही कहना है कि जब रिया चक्रवर्ती उसकी ज़िंदगी में आई तब से सारी स्थितियां, परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई, और जो भी कुछ हुआ है
अप्रैल 2019 से लेकर के जून 2020 तक वो सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को अपनी गिरफ्त में पूरी तरीके से ले चुकी थी। जो रिया के भाई का ड्रग्स पेडलर से कनेक्शन है वो व्हाट्सएप चैट से पता चलता है और शौविक इस पूरे मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैमुअल मिरांडा ने भी एक ड्रग चैट में उसका नाम लिया था। ईडी ने फिर से शौविक को पूछताछ के लिए समन भेजा है और बताया जा रहा है कि उससे बहुत जल्दी पूछताछ होने वाली है। जो खबरें हैं उनका ये ब्यौरा है, उनमें ये खुलासा हुआ है कि 10 अक्टूबर 2019 को कुछ चैट्स रिकॉर्ड्स में सामने आई हैं और ये इस चैट में अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा है, अपने दोस्त से ड्रग के लिए मदद मांग रहा है और 5 ड्रग बेचने वालों के नंबर भी उनको दे रहा है। इस चैट में शौविक का दोस्त उससे वीड, हैश, बड जैसे ड्रग्स के बारे में पूछ रहा है और शौविक अपने दोस्त को बड नाम की ड्रग्स के लिए जैद और बासित का नंबर देता है, जिनको एनसीबी ने यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है और उनको अदालत में पेश किया है। अदालत ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। जो चैट सामने आए हैं उनमें शौविक सूर्यदेव के रेफरेंस के साथ किसी करमजीत और राज नाम के शख्स का नंबर भी देता है। शौविक कहता है इनसे गांजा मिल सकता है। इन चैट्स से जैद, अब्दुल बासित और सूर्यदीप के बीच ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आ रही है। ये भी माना जा सकता है कि चैट को लेकर एनसीबी शौविक से बहुत जल्दी पूछताछ कर सकती है। जो बातचीत सामने आई है इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश देखिए। इसका एक दोस्त कहता है एक मदद चाहिए भाई। शौविक बोल कहता है कि बोल भाई कैसा था। दोस्त कहता है कि पेपर अच्छा था। और यहीं से दोनों के बीच में नशे की बातचीत शुरू होती है। दोस्त कहता है भाई मुझे अभी चाहिए यार, मेरा डीलर नाटक कर रहा है, पेपर अच्छा था भाई, बस स्पीड पर ध्यान देना है। शौविक कहता है भाई हैश है ना, रुक पूछता हूँ। दोस्त कहता है ठीक है भाई। शौविक कहता है कि आज के लिए चाहिए या कल के लिए। दोस्त कहता है कि अभी अगर मिले तो साथ में फूकेंगे। यह साबित करता है कि शौविक भी ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। शौविक कहता है कल भाई, अभी मैं टाउन में हूँ, मैं अपने डीलर से बात करके बताता हूँ। कहाँ पर है अभी, घर पर? दोस्त कहता है ठीक है भाई, मैं खार में हूँ, वो जहाँ कहेगा मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। शौविक कहता है ठीक है भाई, मुझे 5 मिनट दे। दोस्त कहता है ठीक है भाई। शौविक मेरा डीलर फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त मुझे एक नंबर भेज रहा है, बड़ होगा अच्छी क्वालिटी का। दोस्त कहता है चलेगा भाई, मुझे नहीं पता इन डीलरों का क्या चल रहा है टाउन में। शौविक कहता है अगर जल्दी नहीं हो तो मैं कल तुम्हें अच्छा हैश ला दूंगा, अभी मैं गांजे वाले का नंबर भेज रहा हूँ। दोस्त कहता है भाई ये बड़ का कितना? शौविक कहता है कि 2 से 2500 के बीच। दोस्त कहता है ठीक है चलेगा, मैं इंतज़ार करूँगा। शौविक कहता है ठीक है भाई, मैं कुछ नंबर भेज रहा हूँ,
इसके बाद शोविक अपने दोस्त को 5 लोगों के नंबर भेजता है, जिनमें जैद और अब्दुल बाशिद का नंबर भी शामिल है। वो अपने दोस्त को ड्रग्स लेने का कोड वर्ड भी बताता है। शोविक, करमजीत, केजे, राज नाम के ये दो डीलर हैं। सूर्यदीप का नाम इस्तेमाल करना। दोस्त कहता है मैं उसे कॉल करूं या मैसेज। इस पर शोविक कहता है कि कॉल, अगर ये दोनों फ़ोन ना उठाएं तो बताना, मैं तब तक कुछ और लोगों से बात करता हूं। दोस्त कहता है ठीक है भाई। शोविक कहता है इनसे हैश के बारे में पूछना। इसके कुछ देर बाद फिर शोविक का दोस्त लिखता है। दोस्त कहता है ठीक है, पहले वाला फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं राज को फ़ोन करता हूँ। शोविक, राज से बात कर ले वरना मैं किसी और से बात करता हूँ। दोस्त कहता है कि राज ने वापस कॉल किया, वो किसी को भेज रहा है, शायद काम बन जाएगा। शोविक कहता है हाँ भाई काम बन जाएगा, राज तुझे माल पहुँचा देगा। दोस्त कहता है थैंक्स भाई। शोविक कहता है कभी भी यार। दोस्त कहता है ठीक है भाई, उसने मुझे माल दे दिया है, मैं अंधेरी जा रहा हूँ माल लेने। शोविक कहता है ओके दोस्त। और इस बीच आप जानते हैं कि गुरुवार को ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार जैद विलात्रा को कोर्ट में पेश किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी, जिसे बाद में कोर्ट ने जैद को 9 सितंबर तक रिमांड में भेज दिया। और यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि 1 सितंबर को NCB ने मुंबई से जैद विलात्रा को गिरफ्तार किया था, और NCB ने ड्रग के मामले में अब्दुल बासित परिहार को भी गिरफ्तार किया है। NCB के सूत्रों की अगर माने तो बासित और जैद का संबंध सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के सहयोगी सैमुअल मिरांडा से भी रहा है, और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी का ये कहना है कि रिया और शोविक के ड्रग्स लेने की जानकारी उसके पिता इंद्रजीत को है। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी संतानें क्या कर रही हैं, और इससे पता चलता है कि एक्चुअल में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डीलर के सप्लायर के संपर्क में थी। और ये ऐसी कहानी है, ये ऐसा सबूत है, ये ऐसी चैट है जो रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती को सिंक चो के पीछे पहुंचाने के लिए काफ़ी है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।